साइबर सिटी में जल्द हेली हब बनने जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में दिल्ली NCR में हेलीकॉप्टर की सुविधा को कैसे सुगम बनाया जाए, इसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा सरकार से जगह मांगी थी, जिसको लेकर बुधवार को हरियाणा के CM और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एविएशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सामने आया कि साइबर सिटी में हेली हब बनाने की स्वीकृति उड्डयन मंत्रालय की ओर से दे दी गई है। इससे जहां एक ओर दिल्ली हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा, तो वहीं हरियाणा के अन्य जिलों में चॉपर यानी हेलीकॉप्टर सुविधा को सुगम बनाया जा सकेगा। ज्योतिराजय सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है, और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे ग्रहण करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुए। कोई वैट पे भी कोई चर्चा हुई है सर? वैट के लिए उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। सर कोई हेली हब बनाने की भी आपने कोई सुझाव दिया है सर? गुड़गांव में हेली हब बनाने के लिए भी लैंड का प्रपोजल उन्होंने मांगा है, हम बहुत जल्दी उसको बता देंगे। तो उससे हेली हब से क्या प्रदेश को क्या उसको दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक गुरुग्राम में हेली हब बनेगा, तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो उतरने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगी और जनता के भी लाभ पहुँचेगी। हिसार एयरपोर्ट कब तक पूरा हो जाएगा सर? 2 साल के अंदर पूरा करने की तैयारी है उसमें, 2022-23 तक पूरा हो जाएगा। वहीं इस मामले में CM मनोहर लाल की माने तो गुरुग्राम में हेली हब बनने से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार भी बढ़ेगा। CM ने उड्डयन मंत्री के सामने हरियाणा के हवाई अड्डों से उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने, हवाई पट्टियों में सुधारीकरण और वैट की दर को कम करने के लिए सुझाव रखे। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री से बैठक के दौरान एविएशन यूनिवर्सिटी को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। CM ने बताया कि उड्डयन मंत्री से ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं CM ने हरियाणा में हवाई सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए भी नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने सुझाव रखे, जिस पर उड्डयन मंत्री ने जल्द इस पर विस्तार से बैठक कर मुद्दों को सुलझाने की बात कही है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।